उत्तर प्रदेश के थाना राय की पुलिस चौकी विचपुरी क्षेत्र में सवारियों से भरे टेम्पो में एक टैंकर ने टक्कर मार दी है, जिसमें एक की मौत हो गई है, वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भिजवाया है, वहीं टैंकर को जब्त कर लिया गया है। और यह हादसा मथुरा हाथरस रोड पर हुआ है, जब हाथरस की ओर से सवारियों से भरकर टेम्पो जा रहा था। पीछे से टेम्पो में एक तेज रफ्तार टैंकर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरा टेम्पो खत्म हो गया और वहाँ चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, वहीं उपचार को ले जाते वक्त विजय सिंह की मौत हो चुकी है। के कॉलेज के पास में एक बिचपुरी थाने के क्षेत्र में पड़ता है, वहीं पे ये रोड एक्सीडेंट हुआ था। ये टैंकर और ऑटो के बीच में एक्सीडेंट बताया गया था कि बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत डेंजरस कंडीशन में ये हुआ है। और इसमें हमारे पास एक आए थे पेशेंट, वो कार में डायल 100 वाले जो अधिकारी लोग हैं वो लेके आए थे, तो उसमें वो डेड ऑलरेडी हो चुके थे काफ़ी टाइम पहले। ये विजय सिंह सन ऑफ फूल सिंह, ये सोख के पास में कोई बड़ा रहा है, क्या है नाम उसका, बड़ार के रहने वाले थे। और इनके साथ में एक जो उनकी वाइफ आई थी, तो उनके मोबाइल से हमें नंबर मिला, इसलिए हमने उनके गांव वालों को फ़ोन कर दिया। तो अच्छा, और भी कोई घायल इसमें हुआ है? और घायल तो बहुत सारे लोग बताए जा रहे थे, मगर हमारे पास जो दो लोग ही आए थे यहाँ पे, एक ऑलरेडी डेड थे। तो इनकी पत्नी भी घायल थी क्या? उनकी पत्नी को खास चोट वगैरह नहीं आई थी, मगर थोड़ा घबरा गई थी। और अगर चोट आई होगी तो अंदर थोड़ा बहुत होगी, तो उसके लिए हमने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे दिया था। उत्तर प्रदेश की मथुरा से सैयद जाहिद की रिपोर्ट।